हुसैन राउफ, बिजनेसमैन, डिप्लोमैट, पॉसिबल आईएसआई एजेंट, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच का सबसे बड़ा डील मेकर है सर। ब्रिगेडियर शर्मा करप्ट एज हेल, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सर। समर सिंह, यस सर, पावर ब्रोकर, आजकल की सारी डील्स यही क्रैक करता है। राउफ के साथ काफी देखा गया है सर इसे स्क्वाश खेलते हुए। तुम कहना क्या चाहते हो ब्रिगेडियर? सर, कश्मीर में लश्कर की हलचल काफी बढ़ गई है, इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहिए कि इसमें होने क्या वाला है। Then do what you have. What are you waiting for? We have 103 agents in the valley. Have your pick. Sir, I need someone from outside. विक्रम सवरमा। साल बाद में कश्मीर लौटा, सब कुछ फिर से याद आ रहा था। साल 1979, जुलूस, सड़कों पे हंगामे, हफ्तों कर्फ्यू, और लोगों के मन में कहीं दहशत थी तो कहीं बढ़ती आजादी का जुनून। इसी दौरान मीर वाइस कश्मीर का कत्ल हुआ। एक लंबी जंग का ऐलान हो चुका था। अब क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? इन हिंदुस्तानी फौज के दरिंदों ने सरेआम मौलवी साहब का कत्ल किया है। काफिरों, जालिमों, इस्लाम हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है, और जिहाद हमारा रास्ता है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। सिक्योरिटी फोर्सेस को फिरन पहने सब कश्मीरी एक जैसे लग रहे थे। हम वॉर जोन में हैं। दुश्मन हर समय, हर जगह, हर सड़क, हर गांव, हर घर में है। उसे ढूंढो और पकड़ो। If they don't surrender, shoot them! कोई शक? कोई शक? अफगानिस्तान में रूस की हार ने कश्मीरियों के हौसले बुलंद कर दिए। अब पुलिस पर कांगड़ी और पत्थर फेंकने के दिन गए। बच्चों, जिस तरह से तुमने कुरान की आयतें याद की है, उसी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करना, और जब कभी आराम करने का दिल करे तो यहां तुम लोगों की माओं के साथ, तुम लोगों की बहनों के साथ जो ज्यादती हुई है उसे याद रखना। इंशाल्लाह हम ये जंग जरूर जीत के रहेंगे अगले जुम्मे पिंडी में। हालत इतनी खराब हुई कि कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर से निकलने पर मजबूर किया गया। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और कश्मीरियत को हमेशा के लिए दाग लग गया। बदल चुकी थी। जो कौम चाकू छुरी चलाना भी नहीं जानती थी, अब ऑटोमेटिक बंदूक उनके लिए एक खिलौना बन गया था। हर नौजवान शहीद बनना चाहता था। कश्मीरियों को पूरा यकीन था कि चंद दिनों में आजाद कश्मीर का झंडा श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट पर लहराएगा।
यहाँ का मौसम और माहौल कभी भी बदल सकता है। वेलकम टू कश्मीर, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सर। इस ऑपरेशन को क्रैक करने के लिए तुम्हें एक नई आइडेंटिटी लेनी होगी, गुल जहांगीर। ये नाम तुम्हारे सामने बहुत सारे दरवाजे खोल देगा। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, जितना चाहोगे मिलेगा। दिस इज ए हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन, खतरा कहीं से भी किसी से भी हो सकता है। वी कांट ट्रस्ट एनीवन। 18 साल में कुछ नहीं पता, वही नफरत, वही आग। गॉड मेड हेवन, मैन क्रिएटेड हिम। दिस इज द स्टोरी ऑफ कश्मीर। अगर सारा कश्मीर कब्रिस्तान बन जाए तब भी जमीन से एक ही आवाज उठेगी, आजादी, आजादी, आजादी। हम कश्मीरियों का खून कोई जहलम का पानी नहीं, जिसकी हिंदुस्तान की नजर में कोई कीमत नहीं है। आज ही के दिन मौलवी साहब शहीद हुए थे, कल को हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, लेकिन यह जिहाद अब खत्म नहीं होगा। पिछले 18 सालों से हम ये जंग लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। इतिहास गवाह है, जब जब माता खीर भवानी के पानी का रंग काला हुआ है तब तब कश्मीर में कोई कयामत आई है। इतनी तबाही तो हो गई मां, अब और क्या बचा है। चार चिनार का मैसेज है, रैनाबारी चौक। बहुत परेशान करके रखा है NCRPF को। आईडी दिखा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? देखा ना साहब, बोला था ना मैंने, हमारे घर में आकर पूछते हैं कि किधर जा रहा है। मेरी माँ की जितना पूछू उतना जवाब देने का, समझा? थप्पड़ मत मारो साहब। थप्पड़ नहीं मारू, बाहर निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल। गोली मारता हूँ तेरे को, मारू गोली, मारू। हाँ मार दो ना, रोज रोज मार खाने से तो अच्छा है कि एक बार गोली मार दे। बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है तू। अरे छोड़ो ना साहब। एक मिनट, बीच में मत बोलना वरना दोनों को यहीं ठोक दूंगा। और लिखवा दूंगा मिलिटेंट है। ब्लास्ट की वजह से सिचुएशन काफी टेंस हो गई है और कश्मीर पर पूरे दुनिया की मीडिया की नजर है। हमारी तरफ से यानी डिपार्टमेंट ऑफ J&K अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज करो कि हम इस ब्लास्ट की, हाजी पर हुए हमले की निंदा करते हैं और लोगों को यकीन दिलवाते हैं कि इस बार इलेक्शन पीसफुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और हर बार की तरह इस बार भी सरकार हम ही बनाएंगे। PKF के लीडर हाजी सैयद शाह पर हुए आत्मघाती हमले में उनके पार्टी लीडर शब्बीर अली नोन और उनके ड्राइवर की मौत हो गई।
हाजी सैयद शाह ने कश्मीरी आवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपने गुस्से को काबू में रखें। आज पीकेएफ के हेडक्वार्टर्स में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सर, इस हमले में आपके पार्टी लीडर शब्बीर अली लोन की मौत हो गई। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कश्मीर के दुश्मनों को, जो नहीं चाहते कि कश्मीर आजाद हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मेरा एक और अजीज मैंने खो दिया। एक्सक्यूज मी सर, ध्रुव रायना, जी न्यूज। क्या नाम बताया आपने? ध्रुव रायना सर, जी न्यूज। सर, 17 हमले 18 साल में, और इस सबसे आप बच निकले। Coincidence or what? I mean, how would you explain this, sir? ये तो अल्लाह का फजल है। One more question, sir. Sir, जब आप जैसे लीडर पर ब्लास्ट हो सकता है, तो क्या लगता है आपको? आम आदमी के लिए कश्मीर जैसी जगह कितनी सुरक्षित है, sir? बेहतर होगा अगर ये सवाल आप आवाम से पूछें कि किस तरह 7 लाख हिंदुस्तानी फौज आवाम की हिफाजत कर रही है। रहा सवाल बॉम्ब ब्लास्ट का, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली में नहीं होते? सर, लेकिन करवाते तो लश्करे तोयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ही हैं। बरसों बाद एक पंडित रिपोर्टर को यहां देखकर अच्छा लगा। वैसे मिस्टर रायना, आप कश्मीर में कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर, ये कोई 6 महीने। 6 महीने से? ये जानते हैं ना, ये परवेज 6 महीने का था जब मैंने जेल में बंद कर दिया गया था अपनी माँ के साथ। लेकिन यहां सालों से कितनी औरतों ने अपने मर्दों को नहीं देखा? आपका मीडिया ये बात हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताता? मिस्टर रायना, नो यू आंसर मी दिस। क्या बात है, इतने साल बाद पीर बाबा की याद कैसे आ गई? मिलने की इच्छा हुई इसलिए चलाया। तुम इंटेलिजेंस के लोग हमेशा दूसरों को थोड़ा कम इंटेलिजेंट समझते हो। इसलिए शायद दुनिया में इतनी दहशत है। यहां हर आदमी एक मकसद से आता है। मैं एक मिशन पे आया हूं। कश्मीर फिर जलने वाला है। इसमें कौन सी नई बात है? 18 साल से तो रोज हो रहा है। यहां कुछ बड़ा होने वाला है, 89 से भी बड़ा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? ब्लास्ट के बारे में जानना चाहता हूं। मारूफ, दरवाजा खोलिए, एक जरूरी खबर देनी है। एक मिनट। हाजी बाबा पे हमला किसने किया था? मुझे क्या पता, जिसने किया था उससे पूछ। लेकिन ये असला तूने ही दिया था ना? ऑर्डर किसका था? नहीं बता सकता। कभी से नहीं बता सकता तो तू जी भी नहीं सकता। दरवाजा खोल, मारूफ, दरवाजा खोल। मेरा काम बटवाल में सबरीना के घर पे सामान देना था, इसी तरह कुछ नहीं पता। रेडियो ऑल चेक पोस्ट, एक लड़की बुरके में कर्नल लाहटा की तरफ भाग रही है।
नसीहा, तुम्हारी जान जो बचाई। तुमने मारूफ को क्यों मारा? तुम्हें उससे मतलब? नाम क्या है तुम्हारा? गुल जहांगीर। भाईजान, खाना तैयार है। आता हूँ। बाप को फौज ने मारा और भाई को मिलिटेंट्स ने, और फिर भी जनाब आजादी के ख्वाब देख रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? किसी के आजाद कश्मीर लिखने या बोलने से आजादी नहीं मिल जाती जनाब, कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे शब्बीर साहब ने दी है। देखिए, मैं चाहता हूं कि इस बार सारी पार्टियां एक छत के नीचे आ जाएं, हमें इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। बाबा मारूफ गद्दार था और गद्दार को पूछ कर नहीं मारा जाता। बेटी, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने जुनून को काबू में रखने की कोशिश किया करो। बड़ी बी की इजाजत के बिना तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। फातिमा स्क्वाड या परवेज को साथ ले जाती? जोश में होश खो बैठती है ये। हम बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है परवेज। बाबा, लेकिन इस मुहिम में मैं बहुत से अजीज खो चुका हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता। बेटी, अपने वालिद की तरह एक अजीम लीडर बनो। बाकी कामों के लिए पुलिस है। जी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक छू बाजी। बदमालू में सबीना के घर का पता चल गया है, मारूफ ने असला वहीं दिया था। फातिमा स्क्वाड को तैयार करो, जुम्मे की नमाज वहीं पढ़ेंगे। जी। और पता करो ये कुल जहांगीर कौन है। सुना है तुम आर्मी की वर्दी बनाते हो? देखिए जनाब, आर्मी जवानों को रद्दी देती है, वर्दी नहीं। अगर जवान अपने पैसे खर्च करके अच्छी वर्दी सिलाना चाहे तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? हाँ। अगर मिलिट्री को एतराज नहीं तो मुझे क्यों होगा? लेकिन जो रद्दी मिलिट्री तुम्हें बेचती है उसे तुम मिलिटेंट्स को देते हो। आखिर मेरा धंधा है जनाब, रोजी रोटी, क्या करें। और ये कपड़े किसे बेचते हो, मिलिट्री को या मिलिटेंट्स को? कश्मीर में मिलिट्री और मिलिटेंट के अलावा मेरे जैसे लोग भी रहते ना। 10 लाया था, 3 बचे हैं, आप खरीदेंगे क्या? हाँ, खरीदूंगा, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन, ब्लास्ट किसने करवाया? जी मिलिटेंट्स ने या मिलिट्री ने? ये काम किसी एजेंसी या अंदर के आदमी का, मिलिट्री या मिलिटेंट का नहीं, समझा? इतने यकीन के साथ कह सकते हो? जनाब, ये है रैनावारी चौक, नो मैन्स लैंड। यहाँ जैश, यहाँ अलबदर, यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों में से यहाँ कोई अटैक नहीं करेगा, ये बात तय है। और लश्कर? आइए आइए खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। रौफ हिंदुस्तान में सारे इंतजामात कर रहा है। आपको जो भी चाहिए
आपको मिल जाएगा। चाय लीजिए। जनरल साहब पूछ रहे थे कि मिशन को अंजाम देने के लिए कोई तारीख दी गई है कि नहीं। इंशाल्लाह इस दफा दिवाली ईद से पहले ही आ जाएगी। फिलहाल आप कश्मीरियों से कह दीजिए कोई अहमखाना हरकत ना करे, हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। भाग रहा था, सुमलर से मिला है। नहीं भाग के नहीं बेटे, आओ चलो। की थी उम्मीद खो चुकी, देने वाली बात यह है कि इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट के पीछे जो शख्सियत है सबरीना मलिक, उनके ताल्लुकात एक नामी गिरामी पॉलिटिकल फैमिली के साथ है। तो आइए जानते हैं लड़कियों से कि क्या वो वजह है, क्या वो मजबूरी थी कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लूटना किस्मत है हमारी जी। किसे किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? सब लुटेरे हैं यहाँ पर। फौज बंदूक की नोक पर लूटती है जी, और लीडर्स आजादी की दुहाई देकर जी। जी कश्मीर का यह नया पहलू वाकई चौंका देने वाला है। आजादी की मुहिम लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या आप जिस्म फरोशी और औरतों की दलाली पर उतर आई है? हाजी साहब आपके होते ही ये क्या हो रहा है वादियों में? ये सेक्स स्कैंडल जैसी खबरें कश्मीर की मुहिम को बदनाम कर रही हैं। मत भूलिए आपको ये फंड्स कश्मीर की आजादी और जिहाद के लिए दिए जाते हैं। देखिए जनाब, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। इलेक्शन तक कोई हंगामा नहीं चाहिए। अनलेस ऑथराइज्ड बस। खुदा हाफिज। तुम्हारी बदतमीजी की हद हो गई है। पापा हमें नहीं पता था वहाँ जिस्म फरोशी चल रही है। मेरी इजाजत के बगैर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? बड़ी भी मारूफ ने असला वहीं किसी को दिया था। तुम जानती हो तुम्हारी हरकत की वजह से कश्मीर की सब जगह बदनामी हो रही है। और वो जो सबरीना कर रही है बड़े नाज की बात है। कश्मीर एक इंटरनेशनल मसला है, हमारे हर कदम पर दुनिया की नजर रहती है, समझी तुम? और मासूम कश्मीरी लड़कियों की बर्बादी उसकी फिक्र नहीं है आपको? सबरीना जैसी बदसात को लाल चौक पे गोली मार देनी चाहिए। अजीजा अजीजा तुम अपने दायरे में रहना सीखो। परवेज सेखो इसकी हिफाजत का इंतजाम करें। कौन? गुल जहांगीर, पीछे मुड़कर मत देखो, दो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। कहाँ है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे आ रहे हैं, तुम भी और वो भी, चलती रहो। हमारे बाई तरफ कसाई की दुकान है, उसमें चली जाओ। वहीं रुको। अब बाहर आ जाओ।
कल गेट की तरफ चलो। कैफे मुराद आ जाओ। कौन थे वो लोग जो हमारा पीछा कर रहे थे? परवेज के आदमी थे। नामुमकिन। यकीन नहीं आता तो वो लोग वहां पड़े हैं, जब होश आ जाएगा तो पूछ लेना। किसके लिए काम करते हो? पहले तो बेरोजगार था, लेकिन आजकल नौकरी मिल गई तुम्हारे हिफाजत की। पहले पुलिस से बचाया, आज परवेज के आदमियों से। क्या चाहते हो तुम? लास्ट के दिन हाजी बाबा कहां जा रहे थे? यकीन मानो हमारा मकसद एक ही है, जामा मस्जिद से दरगाह, और उसके बाद नहीं पता। कौन था उनके साथ? शब्बीर अली, परवेज और बहुत सारे लीडर्स। और कुछ? तुम्हारी आंखों में इतना गुस्सा क्यों? ये हर कश्मीरी को विरासत में मिलता है। और एक बात, तुम बेहद खूबसूरत हो, बिल्कुल कश्मीर की तरह। खूबसूरत सिर्फ चेहरा है, अंदर झांक के देखोगे तो जल जाओगे। बेहतर यह है कि हम दोनों से दूर रहें। खुदा हाफिज। कश्मीर बिल्कुल नहीं बदला, आज भी जन्नत है। देखिए रौफ साहब, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, सिवाय आपके समर साहब। देखिए, जब हमारी ये डील फिक्स हो चुकी है कि मशीनरी आप देंगे और उसको एग्जीक्यूट हम करेंगे, तो फिर ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्यों? देखिए, आपके जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज आप खुद सॉल्व कीजिए, हम पर क्यों लाद रहे हैं? हम 30 करोड़ रुपए लश्कर पे हर साल खर्च करते हैं, अब बताइए आपसे कोई मांगा हमने? बोलिए। देखिए, सभी मिनिस्ट्री, पुलिस फोर्सेस, एजेंसीज, सबके सब इसमें इन्वॉल्व है, सबकी जेबें भरनी पड़ती हैं। तो इस मिशन के बाद फायदा भी तो सबको होने वाला है। अब आपकी सरकार और मिनिस्ट्री का और इंटेलिजेंस का बजट कितना बढ़ जाएगा, आपको अंदाजा है कुछ? बैठिए आप, मैं समझाता हूं आपको। और यहां देखिए, ये देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस 100 करोड़, इंटेलिजेंस ब्यूरो 100 करोड़, J&K सेपरेट है 300 करोड़। मतलब 500 करोड़ रुपया आपकी सरकार हर साल कश्मीर के ऊपर खर्चा कर रही है, और ये पिछले 18 सालों से चल रहा है। अच्छा बताओ इनको कितना हुआ टोटल? 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ रुपए। और आपकी एजेंसी का बजट, दैट इज अनलिमिटेड। ये मैं सिर्फ कश्मीर के बजट की बात कर रहा हूं, और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान की बात है। अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले 20 सालों में आप लोगों को कितना फायदा होगा। मुहम्मदुर रसूलल्लाह, मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलल्लाह, मुहम्मदुर, 6, 7, 8। अजीजा, परवेज हमारी जासूसी क्यों कर रहा है? जासूसी नहीं, तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, बाबा का हुक्म था। कौन था वो? अजीजा किससे मिलकर आ रही हो? जहांगीर, पुलिस से बचाया था उसने हमें मारूफ वाले दिन। आइंदा उसे नहीं मिलना, ये हुक्म है। Thank you.
बाजी। आ। बारे? ठीक छो। और हिंदुस्तान से कब लौटी आप? 2 दिन पहले दिल्ली जयपुर जोधपुर तक जाके आई। सब जेलों में देखा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। 10,000 से ज्यादा लापता है और किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं जब भी वापस आती हूं तो ये सब एक नई उम्मीद के साथ मुझ में अपनों को ढूंढते हैं और मैं मायूसी और निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं दे पाती। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। आते भाई अनाज तो आ गया है, इंशाल्लाह शाम तक सीमेंट भी पहुंच जाएगा। रजा का ये मकान कब पक्के होंगे? आते भाई तकरीबन 2 महीने तो लगेंगे। अच्छा, मतलब गोलियों और गालियों से जी नहीं भरा आपका, जो अब इन्हें सर्दी से मारने का इरादा है। जल्दी से तैयार करो। जी। ओए सलमान। जी। वो रेडियो तैयार हुआ कि नहीं? रेडियो तैयार है आते भाई, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक ठीक छू? स्कूल नहीं गए आज? छुट्टी? अच्छा। क्या हाल है बारे? ठीक छू ना? बारे बारे बारे, हाँ? वो सकीना की सगाई की तैयारी कहाँ पहुँची? बेटा सारी तैयारियाँ तूने ही तो की हैं, बस अहमद के आने का इंतजार है। आतिफ भाई टेम्पो तैयार है। मौजो कात कर। सलाम वालेकुम बेटा, तू ठीक है ना? सकीना की शादी। मैं आ रही हूँ। जी अम्मी जान, मैं आ रही हूँ। अब बहुत हो गया। यहाँ की हालत वहाँ से भी बदतर है अम्मी जान। कोई नहीं अपना। तू वापस आ जा बेटा। सब तेरी राह देख रहे हैं। वो लोग यहाँ आने को तरस रहे हैं और हम अपने घर जाने को। पाजी इसकी तो रिपोर्ट करनी चाहिए। अरे नहीं यार, ये लोग आतंकवादी नहीं है, आम आदमी हैं जो जोश में पाकिस्तान चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं। 3 हफ्ते हैं, मैं भी अपने घर निकल जाऊंगा। जान छूटेगी इस पागलपन से। माजी आप पे भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? हाँ, जब तनख्वाह 7,000 रुपए हो तो और क्या होगा। साला खाना भी खुद पकाओ, वर्दी भी अपने पैसों से पहनो और ऊपर से इन मादरचोद आतंकवादियों का मुकाबला भी करो। कहने को ये जन्नत है। जन्नत? जन्नत? जन्नत और जहन्नुम के बीच का फासला सिर्फ एक गोली।
कैसर बादशाह तक पहुंच गए। अम्मी कल दिल्ली से आ रही है, पहुंच जाएगा। सामान रवाना कर दो, बच्चों को तालीम के लिए भेज रहा हूँ, होशियारी से काम लेना। कैसर पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। Raw. Ah. Good morning. Thanks for waiting. Come, come. So, all well? Sab set. Khairiyat. 3 hours के लिए border खुलवाना है। 30 lakh. इस बार rate कुछ ज़्यादा है सरकार? वक्त भी बहुत ज़्यादा है। 3 hours के लिए border खुलवा रहे हो। कितने लोग आ रहे हैं? 30. मैं 5 और जोड़ दो और उन्हें आखिर में भेज रहा। आर्मी को भी अपना टारगेट पूरा करना होता है। कब तक ये स्ट्रगल चलती रहेगी? अपने ही मुल्क में इज्जत से जीने के लिए और हमें कितना लड़ना पड़ेगा? कभी कभी लगता है आजादी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। अजीज़ा, पता है बचपन में अम्मी कहा करती थी कि जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं ना, वो उनका इम्तिहान बाकियों से ज़्यादा लेता है। आतिफ, ये गुलजहांगीर कौन है? क्यों? पता नहीं क्यों इलेक्शंस आते ही नए नए चेहरे दिखने लगते हैं। वैसे इस बार एक पुराना चेहरा भी दिखाई देगा। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? बंदूक तो उठाकर देख ली, अब बैलेट भी आजमा कर देख लेते हैं। मकसद वही है, आज़ादी। कुछ हो गया तो फिर दूसरी जन्नत में मुलाकात होगी। हाय विक्रम, मुझे हाजी ब्लास्ट केस की फाइल्स चाहिए सर। वो CIK के पास है, बिना सही वजह बताए वो लोग मुझे फाइल्स नहीं देंगे। And you know that is a risk to our mission. CIK का चीफ कौन है सर? SP Khan, but he won't cooperate. In Kashmir, the system works differently, Vikram. That's the problem, sir. Damn egos. This system sucks, sir. हमें इंसाफ दो या मौत दो! 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 टेरम, कैसे मिलना? Appointment, Yusuf Khan. हेलो सर, यूसुफ खान मिलना चाहता हूँ आपसे। हाँ, भेजो सर। जय कितनी बार कहा है कि यहाँ आने से कुछ हासिल नहीं होगा। परवीना जी, गवर्नमेंट तो आपको मुआवजे दे रही है, 5 lakh rupees कम नहीं होते। पैसे लो और जान छोड़ो। हमें पैसे नहीं, हमारे खाविन चाहिए। हिंदुस्तान की कौन सी जेल में बंद कर रखा है आपने? सभी जेलों में तो हो आई हैं आप, वहाँ नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ? चले गए होंगे सरहद पार। उन्हें फौज उठाकर ले गई थी खान साहब, वो आपके हवालात में थे। देखिए, मैं इंक्वायरी तेज करवाने की कोशिश करूँ। इंक्वायरी? 17 साल से आपकी इंक्वायरी चल रही है खान साहब, आप ये क्यों नहीं कहते कि आपकी सरकार ने उन्हें मार दिया है? कम से कम हम झूठी उम्मीद के सहारे तो नहीं जिएंगे? हमें अपनी इस्लामी रिवाज के तहत एक बेवा के हक तो मिलेंगे। इन्हें हटाओ यहाँ से, हटाओ इन्हें यहाँ से, हटाओ, मैं कहता हूँ हटाओ। खान साहब, कम से कम ये तो बताइए कि उन्हें दफनाया कहाँ है? उनका फतेह तो पढ़ लेंगे। खान साहब, Thank you.
ये जैकेट तूने किसको बेचा? अब बहुत लोग खरीदने आते हैं, कैसे बताऊं किसको बेचा? इन दोनों में से पसंद कर, क्या चाहिए तुझे? तूने लगाया था? मैंने कुछ नहीं किया। तुझे मारने के बाद मैं भी बोलूंगा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि हरी झंडी वाली गाड़ी को उड़ाना था, परवेज भाई का ऑर्डर था। वालेकुम सलाम। अनवर के कातिल का पता चाहिए तो शाम को 5 बजे अमीना मंजिल पहुंचाना। कौन बोल रहा है? खुदा हाफिज। कौन? हेलो, हाँ आपका काम हो गया। पुलिस कम है या फिर तू ही पुलिस है? सामने क्यों नहीं आता? लास्ट का ऑर्डर तूने दिया था। ज्यादा दिमाग मत चला नहीं तो पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दूंगा। चल बता अभी। हाजी पे ब्लास्टिंग करवाया। अगली गोली तू खाएगा। अब पता किसको मारने की तैयारी चल रही है? आतिफ भाई, आप सही कदम उठा रहे हैं। मेरा वोट आपके ही हक में पड़ेगा। शुक्रिया। आज हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक आई कार्ड बनकर रह गई है। कहने को तो हम जन्नत में रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि 18 सालों से हम एक खूबसूरत जेल में रह रहे हैं। अरे ना बोलने की आजादी, ना सोचने की, ना अपने ढंग से जीने की आजादी। हमारे बच्चे बाहर काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मिलिटेंट कहा जाता है, और यहां पर वो काम कर नहीं सकते क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री नहीं है। यहां पर इंडस्ट्री तब तक नहीं होगी जब तक ये मौका परस्त लीडर है जो नहीं चाहते कि आवाम तरक्की करे, जो कि तरक्की पसंद आवाम सवाल पूछती है। दुनिया चांद पे घर बना रही है और हमें अपने घरों से निकलने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। हमें वही कश्मीर वापस लाना है जहां हमारे बच्चे बंदूकों और गोलियों के साथ नहीं, खिलौनों के साथ बड़े हों।
वही कश्मीर जहां हमारे बच्चे माँ बाप के साथ बड़े हो, ना कि यतीम खानों में। मैं आपसे जन्नत का वादा नहीं करता, लेकिन इस जहन्नुम से निजात पाने की पूरी ईमानदार कोशिश जरूर करूंगा। आने वाले इलेक्शन में गुलमोहर को वोट दीजिए। आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? हम क्या चाहते हैं? गुलमोहर का पर्चा उड़ा दो। हमारी मिशन के लिए ऐसे लोग खतरा बन सकते हैं। जी। और परवेज पे इंटेलिजेंस की नजर है, उसको अंडरग्राउंड होने के लिए बोल दिया है, और बीच बीच में वो हाजी को मिलते रही है, उन्हें आजादी के ख्वाब दिखा दे रही है। आप बेफिक्र रहे, हर काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। सामान महफूज है और ट्रेनिंग का काम जोरों पर चल रहा है। इंशाल्लाह जो 89 में नहीं हुआ इस बार होगा। आतिफ हुसैन ने आज एक पॉलिटिकल रैली में काफी भड़काऊ भाषण दिए और जनता की संवेदनाओं को उत्तेजित किया। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें काफी लोग जख्मी हुए। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने दफा 153A के तहत आतिफ हुसैन को नॉन बेलेबल चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया। देखिए, कश्मीर में बहुत खून खराबा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से और कुछ हो। इज दिस अ प्योर पॉलिटिकल गिमिक या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन खुर्शीद के साथ ध्रुव रायना, जी न्यूज, श्रीनगर। यहां बुलाने की वजह? बाबा के बारे में कुछ पता चला था। हमें कुछ नहीं सुनना। उनके हमलावर का नाम भी नहीं? परवेज। परवेज को बाबा ने अपने बेटे की तरह पाला है। इट्स इम्पॉसिबल। मखदूम साहब की मस्जिद में खड़ा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पापा से खास मोहब्बत की वजह? मोहब्बत बाबा से नहीं, कश्मीर से है। खुदा हाफिज। जनाब, आपका मेहमान आ चुका है। बोलिए, इसके साथ क्या सलूक करना है? ठीक वैसा जैसा एक मुजरिम के साथ होना चाहिए। बोलो अजीजा, क्या कहना चाहती हो? बाबा, आपसे अकेले में बात करनी है। यहां कोई गैर नहीं है, बोलो। आपकी जान को खतरा है। उसमें कौन सी नई बात है? खतरा गैरों से नहीं, इस बार अपनों से है। जो भी कहना है साफ साफ कहो। बाबा, परवेज, परवेज ने आप पे हमला करवाया था। अजीजा, तुम जानती हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जी, परवेज ने ब्लास्ट के ऑर्डर्स दिए थे। तुम हद से बाहर जा रही हो अजीजा। उस दलील आतिफ की बातों में आ गई हो तुम। आतिफ ने हमसे कुछ नहीं कहा था। तो किसने बताया तुम ये सब? वही जिसने हमारी जान बचाई थी। तुम्हें उससे मिलने से मना किया था ना, क्यों मिल रही हो बार बार उससे? तुम पीकेएफ के असूलों को भूल गई हो। बड़ी बी से माफी मांगो। वो हम नहीं कर सकते। पापा, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। इतना पर्दा नहीं पड़ा अजीजा कि तुम्हारी हरकतों को बचपना समझकर माफ कर दूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम भी आतिफ की तरह अपना एक अलग रास्ता अख्तियार कर लो। Thank you.
मेरी जबान इसकी मौत की वजह न बन जाए। खून बहा है बहुत सारा, अल्लाह का बंदा आतिफ हमारा। यही नारा था ना तेरा, बहुत लोगों का खून बहाया है ना तूने? बहाया है खान, पर मासूमों का नहीं, तो जैसे हरामजादों का। इसीलिए हाजी ने तेरे को अपनी पार्टी से निकाला था साले। लश्कर के साथ काम नहीं कर सकता। लश्कर हमारी मुहिम का एक अहम हिस्सा है। मैं बंदूक छोड़ना चाहता हूँ, ये फिदाई से मुझे नफरत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। और तुम हमारे आजादी की जंग में अपनी जान देना बहुत बहुत फक्र की बात होती है। आजादी के ख्वाब बेचते हो आप लोग, कश्मीर को एक कंपनी बनाकर रख दिया है। एहसान फरामोश, जिन नेताओं के लिए तू काम कर रहा था उनके खिलाफ नारे लगा रहा है, आजादी दिलवाएगा, शेर ए कश्मीर बनेगा, हाजी से भी बड़ा आदमी बनेगा, साले कत्तार। इलेक्शन क्यों लड़ना चाहता है? दिल्ली के हाथों कितने में बिका है तू? तू कितने में बिका है खान? वर्दी हिंदुस्तान की पहनते हो और बात पाकिस्तान की करते हो, कश्मीरियत को लाल चौक पर बेचते हो तुम लोग। आतिफ हुसैन की रिहाई के लिए हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनके साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मौलवी अब्बास अंसारी की बेटी और फातिमा स्पोर्ट की लीडर अजीजा खुद आवाम के साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ बात करेंगी खुद अजीजा। आतिफ हुसैन कश्मीर और कश्मीरियों की आजादी के लिए लड़ रहा है, वो भी बिना किसी हथियार के। उसे जिस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल सच नहीं है। मैं हर कश्मीरी से गुजारिश करती हूँ कि आतिफ हुसैन की रिहाई के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। थैंक यू सो मच अजीजा। कैमरामैन खुर्शीद के साथ ध्रुव रैना। बिल्कुल अपने बाप की तरह है जिद्दी। इसी की तो तनख्वाह बातें हैं। संभल के। वैसे मेरा हाल कश्मीर से तो बेहतर ही है। ऐसे वक्त पे भी मजाक कर लेते हो, फिक्र मत करो, इस बार मैं ही नहीं सारा कश्मीर तुम्हारे साथ है। मीडिया भी तुम्हारी रिहाई के लिए जोर दे रही है। ये देखो, कल से सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है। अजीजा, तुम जानती हो यूं खुलेआम मेरा साथ देने का नतीजा क्या होगा? आज ही तुम्हें पीकेएफ से निकाल देगा। वो नौबत नहीं आएगी, मैं पीकेएफ छोड़ चुकी हूँ। अजीजा, मुझे यहाँ डालने वाला उसी का बाप है, राउफ। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हें हिफाजत की जरूरत है। कुछ दिनों के लिए तुम दर्दपुरा चले जाओ, रजाकर सलमान सारा इंतजाम कर देंगे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तो ऑपरेशन 89 को जानने के लिए हमें सबसे पहले परवेज को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अनिली हैड हिम सर। मेरे हिसाब से ब्लास्ट परवेज ने करवाया था। आई हैव अ फीलिंग It has something to do with Operation 89. Sir. Are you sure, Vikram? Positive, sir. This is part of a big conspiracy.
वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब, मुझसे कहा होता तो मैं खुद ही चला आता। हिंदुस्तानी पुलिस अफसरों के साथ? जानते भी हो कश्मीर में क्या हो रहा है? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, जब तक माहौल सुलझ नहीं जाता तुम यहीं रहो। हाँ, इत्मीनान से रहो हमारे साथ। अब हमें कश्मीरियों की तरह मेहमान नवाजी तो आती नहीं, जितनी हो सकती है उतनी खातिरदारी तो जरूर करेंगे। जावेद, कबाब खिलाओ। खाओ, लो। ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। रूसियों से जंग लड़ने से हमारे जिहाद को दो मजबूत दोस्त मिले हैं, एक तो अमरीकी डॉलर और दूसरा ये AK-47। जनाब, जानते हो इसे AK-47 क्यों कहते हैं? जनाब, मैं तो सिर्फ चलाना जानता हूँ। AK यानी आजाद कश्मीर, सन 47 से। अब इसे चाहे पानी में डुबो या बर्फ में डालो, कभी धोखा नहीं देती। तुम कश्मीरियों की तरह। बाबा पर 17 ब्लास्ट हो चुके हैं, 18वां कब होगा ये कोई नहीं जानता। उनकी जान को खतरा है और ये बाबा कभी नहीं मानेंगे। चाचा, हम बाबा के हमलावरों का पर्दाफाश करना चाहते हैं। ब्लास्ट के दिन क्या हुआ था? हाजी बाबा, परवेज और शब्बीर भाई मस्जिद से निकले। हर जुम्मे की तरह हाजी बाबा ने दरगाह पे गाड़ी रोक दी। एक फकीर को हरा कपड़ा दिया और पता नहीं क्यों कहा कि शब्बीर भाई की गाड़ी पर बांध दो। मुझे बस इतना पता है कि हरी झंडी वाली गाड़ी को उड़ाना था। में आतिफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, तुम जितना उसे जेल में रखोगे मीडिया और आवाम उसे उतना हीरो बनाएगा। लोग मुझ पर भी शक कर सकते हैं, उसका जेल से निकलना ही बेहतर है। जेल के बाहर निकलकर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जेल के अंदर रहकर वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आप रऊफ से कहते तो बेहतर रहता, उसी ने तो अंदर करवाया था। परवेज के कातिल का कुछ पता चला? इन्फॉर्मर्स लगे हुए हैं, पहली खबर आप ही को आएगी। आतिफ, उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ था? उस दिन शबीर और हाजी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था। शबीर इलेक्शन लड़ना चाहता था और हाजी ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के हाथों बिक चुका है। ब्लास्ट के दिन वो सब कहां जा रहे थे? बस इसी मसले का हल ढूंढने के लिए पीर के घर जा रहे थे। लेकिन पीर बाबा को सियासत छोड़े अरसा हो गया, वो क्यों दखलअंदाजी करेंगे? ये कश्मीर है जनाब, यहां सियासत कभी कोई नहीं छोड़ता। कभी लगता है तुम मुझे सवेरे का अखबार समझते हो। अरे कभी तो यूं ही हालचाल पूछने आया करो। पूरे कश्मीर में आप एक ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, जिसे दोस्त कह सकता हूं। मजाक कर रहा था, तुम कश्मीर का दर्द समझते हो, भाई हो हमारे। बोलो क्या बात है। ब्लास्ट के दिन हाजी और शब्बीर अली आपसे मिलने आए थे, किस सिलसिले में? हुर्रियत का आपसी मसला था, सलाह करने आ रहे थे। मसला इतना गहरा था कि हाजी ने शब्बीर अली को मार दिया? ब्लास्ट तो हाजी ने ही करवाया था ना? मुझे यकीन नहीं होता। दोनों एक ही पार्टी के थे तो झगड़ा किस बात का? एक ही पार्टी में होने से सोच एक जैसी नहीं हो जाती। आने वाले इलेक्शंस को लेकर
दोनों के इरादे मुख्तलिफ थे। हाजी इलेक्शन बॉयकॉट करना चाहता था, शब्बीर ने इलेक्शन में उतरने का फैसला किया। जाहिर है जो इलेक्शन लड़ेगा उसने हिंदुस्तान से समझौता किया होगा। इसका मतलब यह है कि शब्बीर अली दिल्ली के हाथों पिका था। ये कश्मीर जो है ना, कश्मीर ये बहुत बड़ी कंपनी है जहां लोग रोज करोड़ों रुपया फेंकते हैं ताकि ये चलता रहे। शायद शब्बीर भी इसी का शिकार हुआ था, क्या मालूम। और आतिफ मरेगा। हाजी सर, नॉट पॉसिबल विक्रम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम हाजी को अरेस्ट करते हैं तो फिर से वही होगा जो 89 में हुआ था, लाखों के जुलूस और फिर से आजादी का जुनून। कश्मीर विल बर्न अगेन विक्रम। आई डोंट अंडरस्टैंड यू गाइस, पॉलिटिशियन को कोई अरेस्ट करता नहीं, अरेस्ट होते तो मासूम कश्मीरी। आई डोंट वर्क लाइक दैट सर, यू हैव टू अरेस्ट हाजी। विक्रम, हमें हाजी नहीं राउफ चाहिए, वही ISI का एजेंट है, बादशाह और हाजी के बीच का लिंक। दैट वाज द बिग डील, अरेस्ट हिम। कांट डू इट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। Do you understand? रहीम चाचा को दे देना उनकी बेटी की शादी के लिए, और कहना कि बादशाह ने दिए हैं एक वफादार सिपाही के लिए। लोलाब में खतरा है, जानते हैं। खुदा हाफिज। आरआर को गुमराह करते रहो, उन्हें हम तक नहीं पहुंचना चाहिए। वादी में अमन का होना हमारी मिशन के लिए खतरा है। ठीक है भाईजान। जनाब, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं कि अगर ये बात जनता को पता लग गई तो सरकार भी गिर सकती है। सरकार, इस ऑपरेशन से लोगों के बीच जो दहशत पैदा होगी उसका सीधा सीधा फायदा आपको होगा। नो पेन नो गेन। लोगों के बीच जितना डर पैदा होगा आपकी मिनिस्ट्री का बजट उतना ही बढ़ेगा। और ये बात मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए कि ऐसी डीलिंग में सबसे मीठे आम आपको ही मिलने वाले हैं, सबसे बड़ा कट रहेगा आपका। तो जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। We'll be right back.
हमने इलेक्शन बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। और कीमत? जन्नत की क्या कीमत लगाओगे? जितना दोगे कम पड़ेगा? आप बेफिक्र रहें, इस सौदे से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, वो पैसा ट्रस्ट में जमा करा दूं? और ये आतिफ को खामखा जेल में रखकर हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकालो उसे। खुदा हाफिज। एक बार फिर हिंदुस्तान ने इलेक्शन का बिगुल बजाया है दुनिया को दिखाने के लिए। 1947 से हम सब पर सिर्फ इलेक्शन ही थोपता रहा है हिंदुस्तान। लेकिन इलेक्शन से क्या होगा? ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो यहां सालों साल बढ़ता ही जा रहा है। हम ये हिंदुस्तानी फौज की बदजाती और नहीं सहेंगे। इलेक्शन नहीं, आजादी चाहते हैं। ये जो लोग यहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये दिल्ली के हाथों बिक चुके हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कश्मीर आजाद हो। लेकिन मैं हाजी सैयद शाह और आप जैसे हर सच्चा कश्मीरी उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और आज मैं इस नीली किताब को फाड़कर इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान करता हूं। नहीं चाहिए पासपोर्ट, नहीं देंगे वोट। नहीं चाहिए पासपोर्ट, नहीं देंगे वोट। नहीं चाहिए पासपोर्ट, नहीं देना कोई वोट। नहीं चाहिए पासपोर्ट, नहीं देना कोई वोट। नहीं चाहिए पासपोर्ट, नहीं देना कोई वोट। नहीं चाहिए पासपोर्ट। तो बताइए हाजी साहब, क्या लगता है आपको, इस बार अवाम आपका साथ देगी या आतिफ हुसैन का? Well, what do you think about the Kashmiri Pandits? मतलब कश्मीरी पंडित इस बार वोट कर पाएंगे या? Well, और हाँ, लोगों में एक डर सा बैठ गया है आपके इस इलेक्शन बॉयकॉट को लेकर, और उन्हें लगता है कि इसकी वजह से कश्मीर में एक बार फिर से आग लग जाएगी। What do you have to say about all this? अच्छा सोचिए और दुआ मांगिए कि हम कश्मीरियों को फिर से वो करने की नौबत ना आए जो हमने पिछली दफा किया था। जी, कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा सोचिए मिस्टर रायना। जी जी, कश्मीर आजाद होना चाहता है, ये बात तय है। लेकिन क्या हाजी सैयद शाह के बताए रास्ते से इस बात पर अभी दो राय हैं? हमें इलेक्शन नहीं, आजादी चाहिए। आतिफ एक तरक्की पसंद लीडर है, वो हमें रोटी भी दिलाएगा और आजादी भी। खून बहा है बहुत सारा, अल्लाह का बंदा आतिफ हमारा। अल्लाह का बंदा आतिफ हमारा। हमारे एग्जिट पोल्स के हिसाब से कश्मीरी बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या वो बदलाव आतिफ हुसैनी है, ये सिर्फ समय बताएगा। कैमरामैन खुर्शीद के साथ ध्रुव रैना, जी न्यूज। आतिफ हुसैन के साथ मीटिंग फिक्स करो। कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए आतिफ हुसैन के साथ अलायंस करना होगा। इनके खाविंद 18 साल हो गए। वो मरे नहीं है? शायद। क्या आर्मी उठा कर लेके गई थी? मेजर शर्मा बोले पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। 2 दिन तक कोई खबर नहीं आई, और जब मैं वहां गई तो सबके सब मुकर गए। कहा कि हमने किसी सैयद लोन को उठाया ही नहीं था। अल्लाह ने कहा है सब्र रखो। बहुत सब्र है मुझ में। Thank you.
सलाम वालेकुम रौफ साहब। वालेकुम सलाम। आतिफ के रिहाई के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। ऐसी बातें फोन पर नहीं किया करते। अच्छा हजरत बला जाओ, वहीं कुछ बात करते हैं। खुदा हाफिज। वाह, आज क्या बात है, हमारी याद कैसे आ गई? आतिफ जेल में है और मैं पीकेएफ छोड़ चुकी हूँ। इस वक्त बाबा का सपोर्ट मिलना नामुमकिन है। देखिए आप परेशानी में अच्छी नहीं लगती हैं, तो बताइए आपके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। आप खामोश क्यों हैं? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? शब्बीर अली को मारने का मकसद क्या था? आतिफ को जेल क्यों करवाई? क्या बकबक कर रहे हो तुम लोग? देखिए मैं बिजनेसमैन हूँ जनाब, और सिर्फ बिजनेस करता हूँ। सही कह रहे हो, बिजनेस करता है लेकिन कश्मीर का। मुझे बख्श दो प्लीज। बोल यार क्या होने वाला, इनका प्लान क्या है, बोल। 89 में जो हुआ था कुछ वैसा ही करने का प्लान है। साफ साफ बता। आजादी, वो तो दुनिया जानती है। तू क्या जानता है वो बता। मौलवी की मौत, हाजी और मौलवी दोनों कश्मीर की आजादी चाहते थे, पर हाजी पाकिस्तानियों की मदद से और मौलवी कश्मीरियों की मदद से। दोनों के रास्ते अलग थे पर मकसद एक। दोनों चाहते थे कि कश्मीरी लोग एक साथ हों, इकट्ठा हों, और यह तभी हो सकता था जब कोई बड़ा हादसा हो, जैसे कि मौलवी की मौत। पर अब्बू को तो आदमी ने मारा था। अजीजा तुम हाजी को बाप की तरह मानती हो, पर हकीकत यह है कि हाजी सैयद शाह ही तुम्हारे अब्बा का कातिल है। मारना हो तो तुम हाजी को मार सकती हो, लेकिन अगर तुमने उसे मारा तो कश्मीर में उसका नाम शहीदों में गिना जाएगा और हर दीवार पर उसकी फोटो तुम्हारे अब्बू के साथ लगाई जाएगी। तुम इसे ऐसा मारो अजीजा कि हर कश्मीरी के दिल से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। कर रही है कैसे
हम अपनी मिशन का बिस्मिल्ला करेंगे जम्मू कैंप से, और उसके लिए तुम में से 3 बच्चे जाएंगे। तुम बेटा, और तुम हमारे मिशन की शुरुआत करोगे। अजीजा, तबीयत कैसी है? बेहतर है। अजीजा, मुझे जाना होगा। कहाँ? जम्मू, वो रैली एड्रेस करनी है पंडितों के कैंप में। अजीजा, मैं वो करने जा रहा हूं जो कश्मीर में सालों से नहीं हुआ। हाजी, अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना उसकी खासियत है। हाजी भी मरेगा परवेज और शब्बीर अली की तरह। शब्बीर भाई का नाम इन कट्टरपंथियों के साथ मत लो। वो कश्मीर की मुहिम का एक सच्चा सिपाही था। गलत, तुम खामखा उसे हीरो बना रहे हो। पॉलिटिक्स में कोई फरिश्ता नहीं होता, सबके सब बिकाऊ होते हैं। शब्बीर भाई बिकाऊ नहीं थे, वो कश्मीर में अमन और तरक्की लाने के इरादे से ही इलेक्शन लड़ना चाहते थे। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुमने मुझे झूठ बोला पीर। क्या कह रहे हो तुम? शब्बीर अली दिल्ली का प्यादा नहीं था, वो एक अच्छा कश्मीरी था, और ये तुम जानते थे, फिर भी तुमने मुझे गुमराह किया। देखो विक्रम, जितना मैं जानता था मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, कश्मीर का वफादार समझा, लेकिन तुम भी बिक गए हो बाकियों की तरह। क्या चाहते हो तुम लोग? शब्बीर अली को क्यों मारा तुमने? ये ऑपरेशन 89 क्या है? मेरा कोई ऑपरेशन 89 से ताल्लुक नहीं है। है, बिल्कुल है, तुम्हारा भी और हाजी का भी। शायद इसलिए शब्बीर अली मारा गया। क्या चाहते हो तुम लोग? आजादी, आजादी। हाँ, मेरा ऑपरेशन 89 से ताल्लुक है। ब्लास्ट कर रहे हैं हम जम्मू, 24 घंटे के अंदर रोक पाओगे तुम? जम्मू में ब्लास्ट का नतीजा जानते हो? जम्मू एक और कश्मीर बन जाएगा। वही तो चाहते हैं हम, वही तो चाहते हैं हम। हिंदुस्तान के हर कोने में एक कश्मीर पैदा हो, ताकि तुम लोग भी हमारा दर्द सह सको और समझ सको पिछले 18 साल से हम पर क्या बीत रही है। तुम पागल हो गए पीर, बिल्कुल पागल हो गए। इसका अंजाम तुम जानते हो? है, उससे बदतर तो नहीं होगा। पीर, यह मत भूलो कि जिन्हें तुम मारने जा रहे हो वो भी कश्मीरी है, और ये मत भूलो कि उनके लिए तुम लोगों ने पाकिस्तान से जंग लड़ी थी 1947 में। मैं ब्लास्ट रोकने जा रहा हूं पीर, हो सके तो तुम भी रोक लो। बेबस हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए आतिफ भाई, इतिहास गवाह है, कश्मीर में इलेक्शन वही जीता है जिसे दिल्ली पसंद करती है, और याद से नहीं 1947 से हो रहा है। इस बार आपका इतिहास बदलेगा, कश्मीर में इलेक्शन वही जीतेगा जिसे आवाम पसंद करती है। ये सियासत है सरकार, आप अकेले कितना लड़ेंगे? देखिए, आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो आपकी इस छोटी सी रीजनल प्रॉब्लम को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिलवा सके।
आप अच्छी तरह जानते हैं ये सारी प्रॉब्लम आप हिंदुस्तानियों ने खड़ी की है, और सच बात तो यह है कि आप इसे सॉल्व नहीं करना चाहते, इस पर सियासत करना चाहते हैं। और अगर आप सच में इस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं ना, तो कश्मीर से दूर रहिए। ऑपरेशन 89 इज हैपनिंग एज आई एम टॉकिंग टू यू। कर्नल कपूर सही थे, ये 89 से भी बड़ा है। विक्रम मुझे पूरी डिटेल्स दो। उनके पास 4,00,000 सिपाही हैं सर, जिनकी ट्रेनिंग आजाद कश्मीर में हुई है। इसके अलावा लाखों फिदायीन हैं सर, जो हमला करने के लिए तैयार है। उनका चीफ बच्चा, उसको हमें पकड़ना होगा सर। वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर शहर में कश्मीर जैसी दहशत फैले। डोंट बी अब्सर्ड, अफवाहों के बेसिस पर हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते, और वैसे भी इलेक्शन सिर पर हैं। अगर हमने ये रैली कॉल अप की तो कश्मीरियों को एक मुद्दा और मिल जाएगा सर। वो इस मुद्दे को फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर यूएन तक ले जाएंगे। बट सर आप डोंट गेट कैरिड अवे, मैं कंसल्ट अथॉरिटी से बात कर लूंगा। देश हम संभाल लेंगे, आप बॉर्डर संभालिए। कनेक्ट मी टू चार चिनार। चार चिनार गुल जाएंगे, हमारी जान को खतरा है। मैं जानता हूं, लेकिन मिशन उससे भी खतरनाक है। कश्मीर छोड़ के चले जाओ। जीओसी कॉल अबाउट ऑपरेशन 89 नाउ। नॉट पॉसिबल, जम्मू इज अंडर थ्रेट और हमें उसे रोकना होगा। तुम जीओसी से कहो मुझे एडवाइस नहीं सपोर्ट की जरूरत है। वी नीड टू एक्ट फास्ट मेजर सर। और तुम्हारा शक सही था, आज ही इज फंडेड बाय आईएसआई, इसमें सारी डिटेल्स हैं। तुम्हारी दोस्त को दे देना। नॉट रिक्वायर्ड, उसने पीकेएफ छोड़ दिया, उसका हाजी से कोई लेना देना नहीं। 17 साल से ये पैसा हाजी मौलवी के ट्रस्ट में डिपॉजिट करता आया है, शायद ये बात अजीजा नहीं जानती क्या? कपूर इज राइट मेजर, कश्मीर इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, यहां कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर पंडित टारगेट है, और फिर तुम सोच सकती हो कि कश्मीरियों पे क्या बीतेगी। पर होने क्या वाला है? आतिफ की रैली में ब्लास्ट होने वाला है। क्या? आतिफ से कहो कि रैली रोक दे। पर डू एज़ आई से, फोन लगाओ आतिफ। Today we in Jammu about to experience a historical event being made. Once a militant, now a political ambassador for peace, Atif Hussain is here to address the Hindu camps of the Pandit community. The Pandits who were once driven away 18 years back for their struggle for freedom by the separatists. So why is it that one such leader is trying to bring the Hindu community back? Is it a pure political gimmick or is it a genuine reach out? अल्लाह तुझसे बहुत खुश है मेरे बच्चे, उसने तुझे जिहाद के लिए चुना है, ये तेरे जन्नत की चाबी। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर।
आतिफ ये रैली कैंसिल कर दो। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, हजारों लोगों की जाने चली जाएंगी। जरा मुड़कर देखिए कितने लोग मौजूद हैं। आज की ये तारीख कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है और आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। ये स्टेज पॉइंट है और ये इसकी चार एंट्री, 1, 2, 3, 4। भाषण शुरू होने के कुछ देर बाद हम गेट नंबर 3 से दाखिल होंगे, जहां से जावेद भाई सब संभाल लेंगे। मिशन कंप्लीट होते ही तुम मीडिया से मिलोगे और तुम कैप्टन से। ऑपरेशन की कामयाबी हमारे इस मिशन के काबिले इक्तमाल है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बच्चा का हुक्म है। आज मैं आज आप लोगों के बीच कोई सियासी तकरीर पेश करने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की मुराद बताने आया हूं। वो मुराद जो हर सच्चे कश्मीरी के दिल की आवाज है। विंडो पे कोई है? ओके सर। आप लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। जो बीत गया उसे हम भुला नहीं सकते, मगर यकीन मानिए दर्द हम सब ने बराबर का सहा है। बस फर्क इतना है कि आपने मिलिटेंट की गोली खाई और हमने मिलिट्री की। आप यहां अपने आलीशान मकान छोड़कर इन रेफ्यूजी कैंप में कैद हैं और हम वहां उस खूबसूरत जेल में सब ने मिलकर अपने फायदे के लिए कश्मीर को एक कंपनी बना दिया है और इस कारोबार में नुकसान सिर्फ आम कश्मीरी का होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हमारे आपसी झगड़े बहुत छोटे थे, जिनको बड़ा बनाना उनका फर्ज था, क्योंकि हमें तोड़ने में उनको फायदा था। लेकिन इस मसले को हल करना और फिर से एक हो जाना हमारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो 18 सालों से जो कश्मीर में हो रहा है वो कल जम्मू में भी होगा। Thank you.
हाजी सैयद शाह, मेरे अब्बू मौलवी अब्बास अंसारी का कातिल है। पिछले 18 सालों से वो कश्मीरियत का सौदा करते आ रहे हैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही अजीजा? सबूत है मेरे पास, उनके बैंक रिकॉर्ड्स, जहां पे सालों से अब जो रुपयों का ट्रांसफर होता आ रहा है। आईएसआई और ना जाने कितनी इंटरनेशनल एजेंसीज इन्हें फंड करती हैं, ताकि कश्मीर जलता रहे, ताकि ये मासूम कश्मीरियों को गुमराह करते रहे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी जिहाद के नाम पे, कभी कश्मीरियत तो कभी जंगी आजादी के नाम पे। हमारे जज्बातों के साथ खेलना हाजी सैयद शाह का पेशा है। और पासपोर्ट फाड़ने का बहुत शौक है ना इन्हें, तीन तीन मुल्कों का पासपोर्ट रखते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाजी सैयद शाह ने हम कश्मीरियों के साथ वही किया जो सदियों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार करती आई है। वो हर उस मां का गुनहगार है जिसने अपना बेटा खोया है, वो हर उस बेटे का गुनहगार है जिसने अपने वालिद को खोया है, और वो हर उस औरत का गुनहगार है जिसके खाविंद आज तक लापता है। ये मेरी जाती लड़ाई नहीं है, बल्कि कश्मीर के वजूद का मसला बन गया है। हाजी सैयद शाह ने कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है, आपको धोखा दिया है, और सजा देना सिर्फ आपका हक है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में फायरिंग जारी है। अब तक दो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। चार शहरों में कुछ सीरियल ब्लास्ट, 160 व्यक्ति मारे गए। जम्मू कश्मीर में आज भारी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। इन मुंबई टेररिस्ट अटैक, हाजी सैयद शाह हैज बीन रिलीज्ड ऑन हेल्थ ग्राउंड। इस्लाम के नाम पर, पंडितों के नाम पर, कश्मीरियत के नाम पर, आजादी के नाम पर, सभी शामिल हैं, सभी शामिल हैं।